कर्पण अच्छे राजा हाथ मारि पछुक ने ऋषि नहाँ अंतर्ध्यान हो शून्यवाणी है से राजा नाम जान ना से हेलो हाय नमस्कार जय जगन्नाथ वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग वर्तमान आपण मैंने मो पछपट देखिपे मुसी गोटे आमर शैवपीठ गोटे जगह पहुँची से बालेश्वर पंचलिंगेश्वर नाम परिचित तो से आम जब आस देखते ये पछपटे पार्किंग करने जो आम अच्छी पार्किंग बस केत टा शहे टाँग कार बोलेरो पैंतीस टाँचा साइकिल पाँच टाँचा टू व्हीलर अटो पचीस टाँचा मोटरसाइकिल दस टाँचा देखो तो पार्किंग ये जो आम आस पार्किंग प्लेस अच्छी तो पार्किंग प्लेस पार्किंग कर पार्किंग कौटा कौन गाड़ी के रखते बैक दस फोर व्हीलर पैंतीस हेलमेट पाँच बस शहे अटो पचीस यहाँ जो गवर्नमेंट ना टेंडर नहीं कर टेंडर अच्छा टेंडर नहीं करते गाड़ी आसमती उपरक जापर जा देखा सीट कौन अच्छी देखा आमर कौन से पंचलिंगेश्वर से कौन सब फैसिलिट अच्छी से कौन आप देखा देखे आप सहित ये सेयार करी तो जी देखा सीट कौन अच्छी आपड़ी बैक नहीं कि आसुँचे तो यहाँ हूँ लास्ट स्टॉपेज जो आप गाड़ी रखिकी उपरक जापरेंगे आउ जदि आपने पंचलिंगेश्वर आसुँचे देखते पंचलिंगेश्वर ये नेम प्लेट लगे गोटे बर्तमान आप देखिपे मो पछपटे पंचलिंगेश्वर गेटा अच्छी आम एपरको एंट्री करूँ तो उपरे कौन अच्छी विषय में आपरा फुल डिटेल्स जनइबि चलो जाने उपर कौन अच्छी से विषय जाना आउ पंचलिंगेश्वर ना कहीं दि जा विषय भी आम जाना चलो जापर जाना कौन ये अच्छी चलो जा ये देखिपे जो गेट रू फास्ट एंट्री कर गेट्रे बापटे गोटे काउंटर अच्छी पंचलिंगेश्वर महादेव ट्रस्ट बोर्ड एटा तो आपने जी पंचलिंगेश्वर आस तो यहाँ मेन गेट जो भितर को एंट्री करने देखिपे बा पंचलिंगेश्वर तो आपर को जाऊँगी तो उपर मंदिर विषय जानवे पूरा फुल डिटेल्स जनइबी चलो जा मंदिर विषय फुल जानवे डिटेल्स देखिपे सीढ़ीटा अच्छी आप देखते पहाच बाटे आप मंदिर उपरकू पहाच बारश पहाच यटा आप बारश पहाच जगे आप मंदिर उपरकू जापरेंगे आउ यग एक्चुअली यहाँ श्रावण मस चल श्रावण मसगर प्रबल रू प्रबल भिड़ हुए आमर बोलबम भाई मैंने यपट आसी बहुत पुण्य अर्जन करते आपने देखते जो आर बस जतक देखुं आ ये आपर बोल बन समय सब प्रकार सुविधा ये जोगाई दि जाए आठ भी आपड़ी आसुँचे सैड्रे पहाच बाटे चढ़ी गले जेहेतु बहुत पहाच अच्छी तो आपन को रेस्ट नापी बाट अधा बाटे आप देखते बसापी कौन दिया कह देखते सब पंचलिंगेश्वर बाबा फटो ये अच्छी ये पूजा हो मान मंदिर पूर्व ये पूजा चलती अल्प किसी ये देखते गोटे मंदिर जावाप अधा बाटर गोटे देख छोट झरणाटी भी ये अच्छी देखो छोट झरणा से उपरू बही आस पथर देखते पथरटा हूँ एक धला पथर आपड़ देखिपे गोटे मैं आगे देखा गोटे छोटिया मंदिर टी
ଏଠୁ ଗଲାବେଳେ ଆପଣ ଯଦି ଯାଉଛନ୍ତି ପଞ୍ଚଲିଙ୍ଗେଶ୍ୱର ଅଧା ବାଟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ ମନ୍ଦିର ଦେଖାଯାଉଛି, ସେ ମନ୍ଦିର ଆପଣ ଦର୍ଶନ କରିଯିବେ, ମାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିକି ଉପରକୁ ଯାଇପାରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଭିଉ ଦେଖାଯାଉଛି। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ଚାଲନ୍ତୁ ମନ୍ଦିର ଦେଖିବେ ଆପଣ ଆଗେ, ସେ ମନ୍ଦିରରେ କେଉଁ ଠାକୁର ଦେବାଦେବୀ ଅଛନ୍ତି ସେ ମନ୍ଦିର ଦେଖିବା। ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ ମନ୍ଦିର ଦେଖାଉଛି କେତେ ସୁନ୍ଦର ହେଇଛି। ପାହାଚରେ ମନ୍ଦିରଟି ଦେଖନ୍ତୁ, ପୂଜା ବି ଚାଲିଛି ଭିତରେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଚାଲନ୍ତୁ ପୁଣି ଉପରକୁ ଯିବା। ଏଇ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି ଘରଟି। ଉପରେ ନେଇକି ଆପଣଙ୍କୁ ଉପରେ ବାବାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ଆଗେ କରେଇବି, ତାପରେ ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା ବାବାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବା। ତା ପୂର୍ବରୁ ଏଇ ଭିଉ ସବୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ବହୁତ ମନଲୋଭା ଦୃଶ୍ୟ ଏଇଟା ପୁରା। ଏଇଠି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମନ୍ଦିର ପରିସର ଏସବୁ ରହିଛି। ତ ଆପଣମାନେ ଯଦି ମନ୍ଦିର ପରିସରକୁ ଆସୁଛନ୍ତି ତ ଏଇଠି କ'ଣ ଅଛି ଏ ଜାଗାରେ ତା ବିଷୟରେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପୁରା ଜଣେଇବି, ପୁରା ଡିଟେଲ୍ସରେ ଜଣାହେବ ଏଇଠିକାରେ କ'ଣ ଅଛି କ'ଣ ନାହିଁ। ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମର ପଞ୍ଚଲିଙ୍ଗେଶ୍ୱରକୁ ଏଣ୍ଟ୍ରି କରିବା ପାଇଁ ରାସ୍ତା ଏଇଠି ଅଛି, ତ ଆମେ ଏପଟେ ଏଣ୍ଟ୍ରି କରିବା। ତ ଏପଟେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଏଇ ଯେଉଁ ଲଡ଼ୁ ପଞ୍ଚ ଲଡ଼ୁ ଅଛି ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ ଭୋଗ ହୁଏ ଯିଏକି ମେନ୍ ଭୋଗ ଏଇଟା କହନ୍ତି, ତ ଏଇ ପଞ୍ଚ ଲଡ଼ୁ ବିଷୟରେ କ'ଣ କାହା ଯେଉଁ ତିଆରି ହେଇଛି ଏ ପଞ୍ଚ ଲଡ଼ୁ କ'ଣ ସେ ଭାଇନାଙ୍କ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା ତାଙ୍କଠୁ। ଭାଇନା ନମସ୍କାର। ତ ଆପଣ ନାଁଟା କ'ଣ କହିବେ? ଲିଟୁନା। ଏଇ ଯେଉଁ ପଞ୍ଚ ଲଡ଼ୁ ଆପଣମାନେ ଦେଖାଉଛନ୍ତି ଏଇଠି ଅଛି 1, 2, 3, 4, 5, ଏ ପଞ୍ଚ ଲଡ଼ୁଟା କ'ଣ ମୁଖ୍ୟତଃ? ଆପଣଙ୍କର ପଞ୍ଚ ଲଡ଼ୁ ପାଞ୍ଚ ପ୍ରକାର ଲଡ଼ୁ, ପଞ୍ଚଲିଙ୍ଗେଶ୍ୱର ଯେହେତୁ ଅଛି ସେଥିପାଇଁ ପଞ୍ଚ ଲଡ଼ୁ କରାହେଇଛି। ଆଚ୍ଛା, ଗୋଟେ ପାଇବେ ରାଶି ଲଡ଼ୁ, ଆଜ୍ଞା, ଆଉ ଗୋଟେ ତାପରେ ଅଛି ଆମର ବୁନ୍ଦି ଲଡ଼ୁ, ଖଇ ଲଡ଼ୁ, ନଡ଼ିଆ ଲଡ଼ୁ, ହେଉଛି ବେସନ ଲଡ଼ୁ। ଆଚ୍ଛା, ପଞ୍ଚଲିଙ୍ଗେଶ୍ୱରଙ୍କର ପଞ୍ଚ ଲଡ଼ୁ ଭୋଗ ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରସାଦ। ଆଚ୍ଛା, ଏଇଟା କ'ଣ କେମିତି ରେଟ୍ ଅଛି? ଆର ରେଟ୍ ପର୍ ପିସ୍ 6 ଟଙ୍କା। ପର୍ ପିସ୍ 6 ଟଙ୍କା ଅଛି, ତ ଯିଏ ଚାହିଁବ ବି 5ଟା ଲଡ଼ୁ ମିଶେଇକି ବି ନେଇପାରିବ। 30 ଟଙ୍କା ଗୋଟେ। ଆଚ୍ଛା, ଦୋକାନ କେତେଟାରୁ କେତେଟା ଖୋଲା ଅଛି? ଦୋକାନ 7ରୁ 5। ଆଚ୍ଛା, କିଛି ନମ୍ବର କିଛି ଡେସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ ଦେଇପାରିବେ କି ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ନମ୍ବରଟା? ଲିଟୁନାଙ୍କ ନମ୍ବର ଏଇଟା ଅଛି, ଯଦି ଆପଣମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି ଏଇ ନମ୍ବରରେ ବି ଆପଣ ଯୋଗାଯୋଗ କରିକି ଲଡ଼ୁ ଅର୍ଡ଼ର ଦେଇପାରିବେ। ତ ଆମେ ଚାଲନ୍ତୁ ମନ୍ଦିର ଯିବା, ମନ୍ଦିର ବିଷୟରେ ଜାଣିବା। ଧନ୍ୟବାଦ ଲିଟୁନା। ଧନ୍ୟବାଦ। ମନ୍ଦିର ଭିତରକୁ ଏଣ୍ଟ୍ରି କରିବାକୁ ହେଲେ ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ମନ୍ଦିର ଅଛି, ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏ ହେଉଛି ପଞ୍ଚଲିଙ୍ଗେଶ୍ୱରଙ୍କର ମୂର୍ତ୍ତି ତା ଭିତରେ ଅଛି। ତ ବାହାରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ବାହାର ପରିସରଟା ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ତ ଏଠି ଯଦି ଆପଣ ଆସୁଛନ୍ତି ବାହାରେ ବି ବଢ଼ିଆ ଦର୍ଶନ କରିପାରିବେ। ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ଗୋଟେ ଗୁମ୍ଫା ଅଛି, ଛୋଟିଆ ଗୁମ୍ଫାଟି ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଏଠି ବାବାଙ୍କର ପୂଜା ଅଛି। ତ ଆମେ ଏବେ ଭିତରକୁ ଯିବା, ଭିତରକୁ ଗଲେ ଯାଇ ଦେଖିବା ମନ୍ଦିର ପରିସରରେ କ'ଣ ଅଛି, ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା। ନମସ୍କାର। ନମସ୍କାର। ଆପଣଙ୍କ ନାଁଟା? ମୋ ନାଁ ରଘୁନାଥ ପ୍ରଧାନ। ଆଚ୍ଛା, ମୋ ଘର ମହାରାଜପୁର। ଆଚ୍ଛା, ମୋ ପିଲାଟି ଦିନରୁ ମୁଁ ଏଠିକି ଆସେ। ଆଚ୍ଛା, ତ ଆପଣ ମୋତେ ଗୋଟେ କଥା କୁହନ୍ତୁ, ଏଇ ଯେଉଁ ପଞ୍ଚଲିଙ୍ଗେଶ୍ୱର ପୀଠ ଯେଉଁଟା ଆମର ଏଇଠି ଅଛି, ମହାଦେବଙ୍କର ଯେଉଁ 5ଟା ଲିଙ୍ଗ ଏଇଠି ପୂଜା ହେଉଛି, ତ ତା ବିଷୟରେ ମାନେ ମୁଖ୍ୟତଃ 5ଟା ଲିଙ୍ଗ ପୂଜା ହେବାର କାରଣ କ'ଣ, ଆଉ ଏଠି ପଞ୍ଚଲିଙ୍ଗେଶ୍ୱର ନାମଟା କାହିଁକି ହେଲା, ସେ ବିଷୟରେ ଟିକେ ମୁଁ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ଏଠି ପ୍ରଥମେ ଜରାସନ୍ଧ ଦୁଇ ଜଣେ ରାଜା ଥିଲେ। ଆଚ୍ଛା, ସିଏ ଜରାସନ୍ଧଙ୍କ ଉପରେ ବାଣାସୁର ବୋଲି ଜଣେ ରାଜା ଆସିଲେ। ଆଚ୍ଛା, ସିଏ ବାଣାସୁର ଆମର ଯାଆନ୍ତି ବାଲେଶ୍ୱର ଝାଳେଶ୍ୱର ମନ୍ଦିର ପୂଜା କରନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା, ମଣିନାଗେଶ୍ୱର ପୂଜା କରନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା, ବଚେଶ୍ୱର ପୂଜା କରନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା, ତାପରେ ଆମର ଏପାଖର ବାହାନ ପଟରୁ ଆଉ ଗୋଟେ କ'ଣ ମହାଦେବ ଅଛନ୍ତି, ହଁ, 3-4 ଜାଗା ପୂଜା କରିକି ପୁଣି ଏଠି ପୂଜା କରନ୍ତି, 5 ଜାଗା ହେଇଯାଏ ତାଙ୍କର। ହଁ, ସେ କିଛି ଦିନ ପରେ ଭାବିଲେ ଏତେ ଆଉ ଯାଇପାରିବିନି, ଯାଉ ସବୁ ମହାଦେବଙ୍କୁ ଆଣିକି ଏଇଠି ରଖିଦେବି ଆଉ। ଆଚ୍ଛା, ତେଣୁ ସେ 4ଟା ମହାଦେବ ସେଠୁ ଆଣିକି ଏଠି ରଖିଲେ, 5ଟି ମୂର୍ତ୍ତି ହେଇଗଲେ। ଆଚ୍ଛା, ତେଣୁ ପଞ୍ଚଲିଙ୍ଗେଶ୍ୱର ହେଲା। ଆଉ ସେ ବାଣାସୁର ରାଜ୍ୟଟା ହେଲା, ଏ ବାଲେଶ୍ୱର ରାଜ୍ୟଟା ବାଣାସୁର ନାମର ବାଲେଶ୍ୱରଟା ଜିଲ୍ଲାଟା ଜିଲ୍ଲା ହେଇଗଲା। ଆଚ୍ଛା, ତ ମୁଁ ଆଉ ଏଠି ମୁଁ ଜାଣିଛି ଯେ ପଞ୍ଚଲିଙ୍ଗେଶ୍ୱର ଯେଉଁ ମୂର୍ତ୍ତି ଅଛି ଏଠି ତ ସବୁବେଳେ ବୁଡ଼ିକି ରୁହେ ପାଣି ଭିତରେ, ତ ଏଇଟା ସବୁଦିନେ ସେଇଆ ନା ତାଙ୍କର ଅଛି? ସବୁଦିନେ ପାଣି ଏଠି ଚାଲେ। ହଁ, ବର୍ଷା ସିଜିନ୍ର ପାଣି ଜୋର ଆସେ। ଆଚ୍ଛା, ଆଉ ଏଇ ଖରା ସମୟରେ ପାଣି ସବୁ ଶୁଖିଯାଏ, ଖାଲି ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ ପାଣି ଚାଲେ ସବୁବେଳେ। ଆଉ କିଛି ଐତିହାସିକ ବର୍ଣ୍ଣନା କିଛି ଅଛି କି ମନ୍ଦିର ଉପରେ? ଆଉ ତ ସେମିତି କିଛି ନାହିଁ, ଏଇ ଯାହା ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆଉ
अच्छा आ बडांबा ठाकुरानी ओछी से पाखर ओछंती ऊपर ओछंती ऊपर ओछंती अच्छा आ हमरे एठी पंचवेश्वर महादेव आ पंचवेश्वर महादेव मोर गुंफा भितरे ओछी गुंफा दी पांचटा लिंग देखियो गुंफा देखियो हां ठीक अछि धन्यवाद हम देखिया जेंगे गुंफा दी पांचटा लिंग ओछी तो आसंतु आपन माने देखियो पांचटा लिंग ओछी सेठी अंडाल दे हाथो बाजी के सेठी भी देख जानि परिबे तो आसंतु जिबा हमें से पानी भितरे से लिंग देखा तस गुंफा भी आपण मानक देखेबी चलन जिबा तने ये जो देखि ये जो देखि परथिबे एटा होची पार्वती कुंड एटा पार्वती पार्वती कुंड काई ना आबी छै एटा एटा पार्वती रे दुनिया आकार हे छै अच्छा आ येठी सबले जल ए पथरु जरू छै बाहर छै कोडी काई ई जे जलटा जरकि अच्छा अच्छा हां हां अच्छा जरकु जे पथरु देउ जरकु अच्छा चारियाडे तो सुकुला ना हां 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 कने पानी नै अच्छा एठी आस्ती कोलु ए पथरु देउ पानी त देखंथु किमि जा जरकि कि धीरे 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 चल अच्छा तापर आउ कोनो एठी सेमती आउ ए जो पूजा होची जे रे ए जगाटा कोन एटा त थिला पछल थिला अच्छा आउ एठी आउ बसी पूजा करि होइ नथला गुरु अच्छा आउ से ऊपर बसी पूजा करथि अच्छा एठी मादो त से जे जड़ भितरे आउ एटा से जे निकल हला एटा दे मादो के जे टाइम से समान कर दे के होइ नाना मानो पूजा करथि अच्छा आउ एठी सेमती कोन जिंस अछि ये आम कहते जो आम ये पंचलिंगेश्वर गोटे गुंफा अच्छी कौन कहते एठी कौन अच्छे यज्ञ कुंड कराई अच्छा यहाँ थी गोटे विराट कुंड जलाटमय अच्छा ये कराई प्राय पंद्रह अच्छा नुआ नमस्कार आज्ञा आपण नाटा मो ना सनातन बारी आपण एठी कोन अछंती मु एठी नरनारायण गोर पाद सेवा रे रही छी अच्छा केते दिन हेलाने आपण एठी अछंती 22 23 वर्ष रानी अच्छा एही जो आपण अछंती मंदिर विषय रे कोन अलौकिक शक्ति अछि ए जगह रे आ एठी पंचलिंगेश्वर नामटा कोन पई नामकरण करा गेला एही जगह रे गुटी जगह रे झरना भितरे पांच लिंग अछंती अच्छा तनो तांका नाम होउची पंचलिंगेश्वर अच्छा खाली झरना भितरे पांच लिंग नाहती तांको मथा उपरे मध्य जो गछटी से गछरे पांचटी लेके पत्र अछि सब गछरे पांचटी डेंपरे पांचटी पत्र अच्छा सब गछ न तांकरी मुंडो उपरे अच्छा अच्छा बाबा हेले ये जगतर महादेव बड़ ठाकुर तेना जगतर जिते भक्त आसुच्च बैश वर्ष भितर देखा भितर से बाबा को हाथ लगे अनुभव कलापर भक्त मान देहर गोटे श्रेणी होटे भक्तिभाव आस मगुच मनस्कामना पूर्ण हो तेना बाबा तो दे चल दयालु भक्त ये जो पांच लिंग जो हाथ मारे मुझे देखिक आसली तो ये कौन मूलर अच्छी ना को मैं पाता सृष्टि जरासंध पूजा कर तो ये जगह जो आम पूजा हूँ किसी ना अच्छा तो ये आउ कौन पौराणिक मत कहपर कि ये जरासंध जो पूजा कले द्वापर युग में ये पांच लिंग जरासंध पूजा कर बढ़िया नहीं कली युग में नीलगिरी राजा निसंतान राजा थे नाम है कृष्णचंद्र मरुद्रा झरिश्चंदन अच्छा से यहाँ शिकार पहाड़ अच्छा। शिकार से पछपटे गोटे पत्थर बस हटा जन ऋषि परमंश देखा दे अच्छा। राजा को डाक आनी सागर कह हाथ मारिक अनुभव कर कौन अच्छी अच्छा। राजा हाथ मारिक पछुक ने ऋषि ना अंतर्धान शून्यवाणी है से राजा नाम जान ना से नाम जान ले मो ना पंचलिंगेश्वर यही नाम पूजा कले सतान पाइब अच्छा ये नना बस अच्छा वंशधर प्रथम पूजा कर एवं राजा तीन पुह होती अच्छा कली युग में विश्वास बढ़ला भक्त मैंने जहाँ मागिंट ए बाबा अच्छा तो जगत दयालु कौन मत अच्छे पूजा कौन मैं सब जगह गोटे पूजा था गोटे बस गोटे पूजा हाँ यार मेला हूँ माघ सप्तमी मेला अच्छा सरस्वती पूजा गले जो सप्तमी अच्छा से सप्तमी दिन ये यज्ञ आरंभ हम घट गीता यज्ञ पाला सब कुछ हुए अच्छा ये नौ दिन हुए अबिरा पूर्ण दिन यज्ञ पूर्ण होती हुए अच्छा ठीक अच्छे बहुत भल रक्षा कर बाबा पंचलिंगेश्वर उमर उमर प्राप्त हो भीम अर्जुन नकुल सहदेव युधिष्ठिर ये अज्ञात बनवास भीम को बद्ध जरासंध बद्ध कर जरासंध बद्ध हो
महादेव द्वापर युगर उपजा हो रही है कली युगर महादेव किसी दिन उपजा हो रही आम नीलगिरी राजा कृष्णचंद्र मृदर हरिश्चंदन तुम्हें स्वप्न आदेश है जे मु द्वापर युगर महादेव हाँ बर्तमान उपजा हो रही तू मत ब्राह्मण की पूजा व्यवस्था कर तोर पिलापिली कहीं ना तोर फल फल गोटे पे हम कि तार बनस विस्तार कर देखे तो पंचलिंगेश्वर पूजा पाचन से जगह तो अच्छा से पूजा पा ना खाली जस्ट लिंग अच्छी तो ये पूजा पाँच पूजा बेस हुए तीन टी मूर्ति अच्छा से यही तीन टा मूर्ति कौन है बर्तमान आप नहीं जाऊँ जो गुंफा मुझे कहती से गुंफा दर्शन करने से बाट जो बाटे देखते भाई जाऊँगी बाटे ये बाटे जा गुंफा दर्शन करवा एक्चुअली कहार अच्छे कि गुंफाटी आम मंगलपुर पर्यंत व्यापी आउ ए गुंफा विषय आप जाना पूर्व प्रथम चलतु ए गुंफा दर्शन करवा गुंफा दर्शन कलापर आप भितर गुंफा भितर कौन अच्छी मुझे जन आप नाटा मो ना हरेन्द्र बेहरा तो आम जो देखुचे जो गुंफाटी अच्छी आप देखते समस्त गुंफाटे अच्छे गुंफाटा कौ जगह पर्यटन व्यापी मंगलपुर मंगलपुर जाए ये गुंफा भितर जाए देखिपर हाँ मैं जो पर्यटन बंद अच्छे देखिए देखी आस पार हाँ बंद बंद अच्छी जत पर्यटन देखी आस तो ये गुंफार कौन महत्व अच्छे कह जा आगे देखी आस पैसा करती अच्छा जब नीलगिरी राजा शिकार करते आसला हाँ बाघ ये गुंफा भितर पशिला अच्छा से गुंफा भितर तार सड़क अच्छे बात अच्छे से चलगला मंगलपुर होली रे बाहर अच्छा बाघ आजा रास्ता जीवजंतु साधु सैन्य ना रास्ता बंद कर दे रास्ता कौटा पथर देखते बंद कर अच्छा अच्छा ये बंद कर दिया अच्छा अच्छा अब जो गच देखुं बाबा मुंड गठटे अच्छी प्रत्येक डाल पांचटी लेखा पत्र अच्छी देखी पार्थे प्रत्येक डाल पांचटी पत्र जेकोसी डाल देखिए पांचटी पत्र देखते देखे यही पर्टिकुलर यही गचटी आउ कौन गच ना यही गचटी प्रत्येक डाल पांचटी गच लेखा पांचटी लेखा पत्र अच्छी तो ये गोटे महात्मा अच्छे ये तो चलो जी बाबा उपरे गोटे मंदिर अच्छी माँ का मंदिर से दर्शन कर बाट आने देखते ये बाट दे आम पुणे उपरको जा तो उपरे माँ का मंदिर अच्छी ता विषय में आप जनाऊे गोटे पीठ को आसले आप दी जगह जापर पंचलिंगेश्वर आपरे आ गए माँ का मंदिर अच्छे से माँ को दर्शन करवा देखते रास्ता कौन रास्ता देखता बाबा केते ऊपर बाबा ये देखिपार थे गोटे मंदिर छोटिया मंदिर देखा
से मंदिर हूँ माँ को मंदिर तो आप देखिपे के दूर अच्छी रास्ता भल ना से जाहलानी तो नेक्स्ट टाइम जो आस मंदिर देखेबी तो आप देखिए गोटे श्री गोविंद मंदिर अच्छी से कौन से गोविंद मंदिर देखिए अच्छा आबार आसबो हां एटा प्रथम बार आर ऊपर मारी बस चलो चलो मुझे पूरा उपर आपन को तलर भ्यू देखा देखते पूरा उपर भ्यू पूरा देखु के सुंदर देखा रास्ता टी देखु पहाच देखते के दूर अच्छे पहाच के लंबा पहाच ये ये आसे भी आपच एत ऊंचा नुहजे आप आसे थकी ये पहाचटा पूरा सामान भाया जाए तो आप आसे बहुत एंजय करें बाटे आसतु जावा तो बर्तमान पंचलिंगेश्वर ट्रिपटा सरीगला तो आम एपण विदाय ना समय आसी तो आप विदाय नौ जब भिडियोटे भल लगी तो लाइक सेयार सब्सक्राइब कर दिंतु तो आमती लगे तो हम कमेंट मध्यम आपको जनातु आम को तो आप विदाय नौ जय जगन्नाथ।